हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजीव कुमार। स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप यार। दोस्तों, भोजपुरी के स्टाइल स्टार प्रदीप पांडे चिंटी जी का जो सुबह में 6 बजे गाना देसी धुन के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था, वो गाना फ्लॉप कर गया। जिस गाने के नाम से स्टार करते गोड़ छुपे गोड़ लगाता है, यह जनता से अपने भाई लोग से प्रदीप पांडे चिंटू जी से गोड़ है, गोड़ छुपे गोड़ लगाता है, उनको बहुत ज़्यादा प्यार दुलार मिलता है। तो ये जो गाना है फ्लॉप कर गया। हमने 5 घंटा पहले इनका जो व्यू देखा था वो 13 से 14 हज़ार व्यू मिला था। अभी 10 घंटा हो गया, 10 घंटा में मात्र 22 से 23 हज़ार व्यू अभी तक मिले हैं। अब बताइए, जो 10 घंटा गाना रिलीज हो गया, उस गाने को अभी तक कम से कम नहीं हो तो 10 लाख से ऊपर व्यू जाना चाहिए। तो अभी तक ये गाना 22-23 हज़ार में रह गया और फ्लॉप होने के कारण है यह कि उनके जो जानता है, यानी कि वो तो ज़्यादा गाना गाते नहीं है, उनके जो प्यार करने वाले हैं बस उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा सुने हैं। वो जो काफ़ी ज़्यादा उनको दिल से चाहते हैं उन्हें वही लोग सुने हैं। और जो मेन जो कारण है विवाद चल रहा है, क्या नाम है, पंकज सिंह जो गाना गाए हुए हैं खेसारी लाल यादव के बेटी के बारे में। उधर पहले नीलकमल सिंह जी अक्षय सिंह जी के बारे में कुछ गलत बात बोल दिए थे, तो ये विवाद होने के कारण काफ़ी लोग उसी विवाद को अड़े हुए हैं और देख भी रहा है कि विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कोई गाली गलत कर रहा है अपने में कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप यहाँ पर आ जाइए। तो उस जो गाना गाया वो लड़का काफ़ी ज़रा माफ़ी भी मांगा है, बोला कि भैया हम तो माफ़ कर दीजिए। खेसारी लाल यादव के मैनेजर हैं, उनसे वो लाइव कर माफ़ी मंगवाए भी और बोले कि माफ़ी मांग रहा है बच्चा, लेकिन बोल रहा है कि नहीं आपको जेल में भेजेंगे भी। देखिए, हम लोग का कहना है कि हमें जो हम लोग के बड़े बुजुर्ग थे बोलते थे, अगर कोई गलती कर देता है और माफ़ी मांगता है, जो माफ़ कर देता है वही सबसे बड़ा आदमी होता है। तो यहाँ पर और बोल रहे खेसारी लाल यादव के फैंस पगला गए, खेसारी लाल यादव के फैंस पगला नहीं गए, आप लोग पगला गए हैं जो फैंस को पगलवा रहे हैं और बिना मतलब के बात कर रहे हैं। तो खेसारी लाल यादव भी गाना गए थे, ये क्या गाना, चाची के बात जी हाँ। अभी तो ये कौन सा गाना है, अब इनके बारे में भी गाना गाते थे। देखिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में डिटेल बात नहीं करेंगे। हम इसके बारे में अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा, हम पूरे जड़ से इसके बारे में जानते भी हैं तो बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो सिर्फ हम प्रदीप पांडे चिंटी जी के एक सॉन्ग के लिए बना रहे थे। यही विवाद के कारण उनका गाना फ्लॉप कर गया है और काफ़ी लोग उस पर अपना आकर्षित होकर उस विवाद को देख रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी जानकारी आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी इस वर्गर का वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए टॉप यार। जय हिंद, जय भारत।